नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षल सिंह राठौर इंदौर से। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बता रहा हूँ जो कोरोना के कारण आगंतुकों से बिल्कुल नजर नजर आ रहा है। हम हैं पितरेश्वर हनुमान देव मंदिर पे। यहाँ आप देखेंगे जो अष्टधातु की विशाल मूर्ति, जिसकी स्थापना हाल ही में हुई है, गत माह हुई है, और इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में शहर में एक महाभोज हुआ था, नगर भोज जिसे कहा जाता है, जहाँ 10 लाख करीब लोगों ने उस भोज को प्रसाद रूप में ग्रहण किया था। वह मंदिर स्थापना के बाद पहला ऐसा रविवार आया है जो जनता कर्फ्यू के कारण बिल्कुल खाली है। यहाँ की व्यवस्थापकों का कहना है कि सुबह से अभी शाम के 4 बज रहे हैं, जब तक महज 10 या 12 लोग ही बमुश्किल यहाँ आए हैं। हालात ये है कि कोरोना के डर से यहाँ का मुख्य द्वार भी बंद कर दिया गया है। जिस मैदान में आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों लोग हर रविवार जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं, एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ आज परिंदा भी नजर नहीं आता है। खैर, पक्षियों की बात अलग है, लेकिन इंसान इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सभी के मन में कहीं ना कहीं जागरूकता है, डर है और एक संदेश है देश के नाम कि अगर हमें कोरोना से लड़ना है, उससे जीतना है, तो अभी इंसुलेशन में रहना होगा, खुद को अपने आप को घर के अंदर रखना होगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एकदम शांति है, एक व्यक्ति भी यहाँ दर्शन करने आज नहीं आया है। यहाँ पे यज्ञ कुंड बना हुआ है जो आज खाली है, प्रसाद काउंटर है जहाँ पर ताले जड़े हुए हैं, साथ में विश्राम गृह, वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये बगीचा है जिसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। जबकि छुट्टी के दिन, रविवार के दिन, शनिवार और मंगलवार, हनुमान जी का जो विशेष दिन माना जाता है, मंगलवार और शनिवार, उस पर यहाँ हजारों की संख्या में दर्शनार्थी होते हैं। रविवार को यहाँ पिकनिक मनाई जाती है, लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं है। इस विशाल मूर्ति को बनाने के लिए ग्वालियर से कलाकार इंदौर आए थे और उन्होंने मूर्ति बनाई है। लेज़र लाइट शो होता है यहाँ पे, जिसके द्वारा लेज़र के जरिए हनुमान जी की मूर्ति पर हनुमान चालीसा का विस्तृत वर्णन होता है। पर कोरोना के चलते यह लेज़र शो भी अभी स्थगित कर रखा है और प्रशासन का कहना है कि शायद ये लेज़र शो अब हनुमान जयंती के बाद ही हालातों को देखते हुए वापस से शुरू किया जाएगा। देखते हैं कोरोना का डर कब तक बरकरार रहता है और कब तक दर्शनार्थी यहाँ अभी दर्शन करने नहीं आते हैं।